गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDE DE 144 छायावाद, इसका मैं आपको थोड़ा बहुत आपको मैं करवा देता हूँ। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन, मैं थोड़ा आपको बता दूंगा कि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको लिखना कैसे है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आई थी और काफ़ी लोग आप डिमांड करते हो कि ये सब्जेक्ट को पढ़ा दीजिए, वो सब्जेक्ट को पढ़ा दीजिए। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, आप मेरी बात ध्यान सुना, आज मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में ना समय लगता है, टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, ठीक है। जब मैं किसी सब्जेक्ट को अपने मन से पढ़ाऊँगा ना, टाइम दे करके पढ़ाऊँ ना, तो वो सब्जेक्ट ना मैं पढ़ा दूँगा तो आपको बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट पढ़ाने का मतलब ये नहीं, पढ़ाना का मतलब ये नहीं होता भाई मेरे, कि आ करके मैं आपके सामने PDF खोल दूं और पन्ने में जो लाइनें लिखी हुई हैं उसको मैं बोल करके चला जाऊं, इसका मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। इसको पढ़ाना नहीं कहते, इसको बोलते हैं वीडियो क्रिएटर, ठीक है। इसको मास्टर नहीं बोलते हैं। देखो मेरा जो शैली है, मैं पढ़ाने की शैली, मैं कोई वीडियो कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं मेरा वीडियो बनाने के उद्देश्य कभी नहीं रहा। दूसरा एक बात काफ़ी लोगों को पूछना होगा कि मैं YouTube पर वीडियो क्यों बनाता हूँ। देखो ऐसा है कि जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ, पहली बात तो जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक है। यानी मैं अगर देखोगे तो गूगल मीट पर पढ़ाता हूँ, वहाँ की वीडियो को मैं यहाँ पर आपको ला करके डाल देता हूँ, ठीक है। यानी मेरा क्या है, मैं वैसे ऑफलाइन में पढ़ाने वाला मेरा प्रोसेस है, ठीक है। तो अब आकर के यहाँ पर आपको ऑफलाइन में ला करके मैं डाल देता हूँ। जितने लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी जो गूगल मीट पर मैं क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, वहाँ पर आइए। वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल विस्तार से चीज़ों को बताऊँगा और बिल्कुल डीप से चीज़ों को बताऊँगा। क्योंकि आप अगर वहाँ पर मेरी क्लास को देखेंगे तो वहाँ पर उसको बोलते हैं पढ़ाना, यहाँ पर एक घंटे की बोलते हो, डेढ़ घंटे की वीडियो बना दी उसमें हम समझ जाएंगे। देखो इसको पढ़ाना ही इसको होता है, एग्ज़ाम किसी न किसी तरह आपका निकलेगा और नहीं भी निकलेगा। एक मेरे बात सच्चाई देख लेना, इग्नू में आप समझ रहे हैं कि भैया एक दिन दो दिन में पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम निकल जाए, बहुत लोगों का निकलते हैं, 50% लोग इग्नू में फेलियर रेशियो है, आधे से ज़्यादा लोग पास नहीं हो पाते हैं, सच्चाई के साथ आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी दिन का मेरा इस यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट को मैं स्वयं आकर के पढ़ाऊँ ना, वो सब्जेक्ट आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन आप लोग अगर डिमांड करके बोलोगे कि मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, उस सब्जेक्ट को मैं बहुत जल्दबाजी में बताऊँगा, यानी आपको किताब जा करके पढ़नी पड़ेगी या आपको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जितने भी लोगों को आप डिमांड करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना है। वीडियो से आपको, हाँ मान सकता हूँ, थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है ना, तो आपको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा सब्जेक्ट को, अच्छे से मैं जब रीड करूँगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, उसको पढ़ाना बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात रही इसका जो गैस पेपर है, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा, आप सभी लोग गैस पेपर ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, और कोई MRP आपको वहाँ पर पैसे देने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से इसके गैस पेपर को आप पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। बाकी मैं थोड़ा सा आपको इसमें रिकॉल कर देता हूँ, इसमें है क्या, वैसे क्या क्या इसमें बता करके आपको जाना, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। लेकिन जो मैंने आपको बात बोली है ना, इस बात को मेरे हमेशा ध्यान, मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने का मेरा काम है, तो मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अगर आपके विषय हैं तो मेरे नंबर से काउंट कीजिए, मेरी क्लास में आइए, ठीक है, वहाँ फिर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को समझाऊंगा। अभी मैं अगर आपको बता दूँ BHIC 144 कि जो क्लास यहाँ पर आएगी वो सारी मेरी ऑफलाइन क्लासेज हैं, वो रिकॉर्डेड यहाँ पर पढ़ने वाली हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, रेगुलर पढ़ाता हूँ, अभी मेरी क्लास होगी 7 बजे, डेली 8-9 बजे, दिन में दो तीन क्लास में पढ़ाता रहता हूँ, तो वहाँ सब अगर आप लोग आएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आप वीडियो के माध्यम, वीडियो को तो सुनिए, वीडियो तो वहाँ रिकॉर्डेड मिलेगा ही आपको, बाकी जब मैं रहता हूँ तो मेरे से सवाल भी पूछ पाएंगे ना, ये थोड़ी है कि वीडियो मैंने आपको बना कर दे दिया, उसमें आपको समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस पर चलते हैं, ठीक है, आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसका असाइनमेंट आपको, सॉरी असाइनमेंट बोल रहा हूँ, गैस पेपर डाला हुआ, जाकर के आप देख लीजिएगा, दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या रहेगा। पहला इसमें रहेगा छायावाद जो आपका है, इसमें 2 यूनिट हैं, क्या है, इसमें टोटल 2 यूनिट दी गई हैं, और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है उसी की मैं थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा इसमें करना क्या है आपको, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें मोस्टली जो रहेगा, अगर एक बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जितना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसमें भाई जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आप देख लेते हैं, वैसे पूरा छायावाद पर रिलेटेड रहेगा।
इस वाले सेक्शन को आज हम देखेंगे, ठीक है? ठीक है, छायावाद का स्वरूप और विकास। ये क्या है, छायावाद की जो स्वरूप और उसका विकास कैसे है, जयशंकर प्रसाद और उनकी कविताएं, सूर्यकांत त्रिपाठी त्रिपाठी निराला उनकी कविताएं, सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कविता, महादेवी वर्मा और उनकी कविताएं। ये आपके लिए टोटल 5 चैप्टर रहेंगे जो कि ब्लॉक नंबर 1 में है। ब्लॉक नंबर में आपको 2 अगर कोशिश टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा, ठीक है। इसमें मैं तो आपको थोड़ा समझाने को, देखो छायावाद जो है आपका यहाँ पर जैसे दिया गया है, छायावाद स्वरूप और विकास, तो आपको इसमें क्या आपको पढ़ना पड़ेगा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, छायावाद की पृष्ठभूमि, यानी छायावाद की पृष्ठभूमि, यानी जब छायावाद की शुरुआत हुई तो उस समय समय कैसे था, टाइम कैसा था, क्या चल रहा था। दूसरा, छायावाद का आरंभ, छायावाद का जो आरंभ होता है किस प्रकार से होता, कैसे हुआ, यानी छायावाद जो कविताएं हैं या छायावादी जो कवि हैं, जब उन्होंने कविताएं या छायावाद का युग आता है तो उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, उसकी शुरुआत कैसी थी और उसका आरंभ किस प्रकार से हुआ है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इस प्रकार। दूसरा, छायावाद के कवि कौन कौन हैं, तो छायावाद के कवि जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं वह कौन कौन से कवि हैं। दूसरा जो है, छायावाद की अंतर्वस्तु, ठीक है, छायावाद की अंतर्वस्तु में जैसे क्या क्या होता है इसमें, जैसे व्यक्ति है भाई, रूढ़ी से मुक्ति का प्रसार होगा, प्राकृतिक सौंदर्य है, गीतमुख वंदना है, नारी विषयक, यानी छायावाद जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी जब छायावादी कविता होती है या छायावादी जो कवि हैं उन्होंने किन किन चीज़ों पर, यानी किस किस चीज़ों पर उन्होंने अपनी कविताएँ लिखी हैं या अपनी रचना। अंतर्वस्तु का मतलब होता है उनकी कविताओं में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या हमें मिलता है, ठीक है। तो जैसे व्यक्ति का क्या स्वतंत्रता स्वर होता है, रूढ़ियों से मुक्ति की बात की जाती है, यानी जो छायावादी कवि होते हैं क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उनका स्वर होता जोर होता है, रूढ़ियों से मुक्ति की बात करते हैं, प्राकृतिक यानी प्रकृति को लेकर के बहुत ज़्यादा गाएंगे भैया, पेड़ पौधे क्या है उसका गांव गीत बहुत ज़्यादा। दूसरा, मधुर वेदना होती है, यानी क्या होती है मधुर वेदना, यानी कहते हैं एक प्रकार से सेंसिटिव बहुत ज़्यादा रहते हैं वेदना। दूसरा, नारी विषयक, यानी जो छायावादी कवि होते हैं उसमें महिलाओं को लेकर के, नारियों को लेकर के उनकी कविताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। अगला होगा राष्ट्रीय तथा यानी जो छायावादी कवि होते हैं वो राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक चेतना वाली उनकी कविताएं होती है, या वो जो पोएट्री लिखते हैं उसी प्रकार की उनकी होती हैं। अगला जो रहेगा आपका छायावाद की क्या रहेगी, रचना विधान, यानी जो छायावाद कविताएं हैं उसकी भाषा कैसी होती है और उसकी शैली कैसी है। भाषा का मतलब होता है कि जो छायावादी कविताएं हैं, ध्यान से सुनो, क्या बोला, जो छायावादी कविताएं हैं उनकी भाषा कैसे, यानी उसमें लैंग्वेज कैसे यूज की जाती है, तत्सम तत्वो लैंग्वेज है या मान लीजिए खड़ी बोली है, या किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज किया जाता है, या ब्रज है किस प्रकार, यही चीज़ें आपको जो भाषा में शैली में क्या बताना पड़े, यानी जो छायावाद की कविता होती है शैली क्या है, यानी उनका कहने का ढंग क्या है, काव्यात्मक शैली है, व्यंगात्मक शैली है, किस प्रकार की शैली होती है, आपको यहाँ पर इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। छायावाद का महत्व क्या होता है, तो यानी छायावाद का महत्व क्या है, किस प्रकार से, यानी उसकी शक्ति क्या है और उसकी सीमाएँ क्या हैं, तो ये सारे जो पॉइंट हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, थोड़ा थोड़ा इसको जरूर देख लीजिएगा, इतना तो टाइम बचा नहीं कि आप मैं लेकिन गैस पेपर आपको जरूर मिल जाएगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो गैस पेपर जैसे छायावाद की पृष्ठभूमि रही, एक बार इसको देखेगा, साहित्य और समाज का स्वास्थ्य संबंध होता है, प्रत्येक समाज को देखो क्या कह रहे हैं कि जो साहित्य होता है वह समाज में स्वास्थ्य संबंध है। भैया जो साहित्य यानी जो लिटरेचर होता है, जो साहित्य होता है वह समाज से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बोला जाता है ना साहित्य वही लिखेगा जो समाज रहेगा, ठीक है। प्रत्येक सभ्य समाज में विरिच कहने का महत्वपूर्ण क्या है, यानी प्रत्येक समाज में अगर कुछ कहना हो तो उसके लिए क्या होती हैं, कविताएं होती हैं। इसी कारण से प्राण वेदनीय औषधि भी, यानी अगर बोलोगे जो कह सकते हैं कविताओं को प्राण दयनीय, यानी कहने का मेरा कहने का मतलब है कि जो कविताएं होती हैं वह किसी व्यक्ति की या व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा, समाज को कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करना, यानी जो कविताएं होती क्या करती भैया, समाज को कल्याण के मार्ग पर ले जाती हैं या उन्हें अग्रसर करती हैं, ले जाती हैं। अस्थाई प्रेरणा, यानी उसकी जो प्रेरणा होती है उसका अस्थाई का सूत्रपात बनेगी। छायावादी कविताओं का भी समाज में, यानी जो छायावादी कविताएं होती हैं उनका समाज से बहुत ज़्यादा क्या है, घनिष्ठ संबंध है। यानी जैसे महिलाओं की बात करेंगे, पेड़ पौधों की बात करेंगे, या कह सकते हैं कि अगर देखोगे तो छायावादी जो कवि हैं वेदना की बात करते हैं, संवेदना की बात करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों की बात करते हैं, यानी जो छायावादी कविताएं होती हैं उनका हमारा जो समाज है, हमारी जो भैया जहाँ सोसाइटी है उससे बहुत ज़्यादा क्या है, घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। इस संबंध की गहराई और व्यापकता को उस युग में परिस्थिति में
परखा जा सकता है। देखो 1857 की क्रांति की चिंगारी ही धीरे धीरे सुलग रही थी, आगे चल करके यही अग्निपुंज स्वतंत्रता संघ, यानी भारत में अगर देखो जब 1857 की क्रांति होती है तो वह धीरे धीरे चलती है और पूरे देश में स्वतंत्रता का क्या होता है, प्रारंभ होता है। ऐसे में आधुनिक युग का आकार राष्ट्रीय आकांक्षा में नवजागरण, यानी ऐसे में क्या था कि जो नवजागरण कविताएँ हैं या कह सकते हैं भावनाएँ हैं, नैतिकता के साथ साथ पुनरुत्थानवादी, यानी देश का उत्थान करने, यानी देश का भाई मेरे उद्धार करने की दृष्टि से ये जो शक्तियाँ की जो ताकतें होती हैं वह क्या होती हैं, अधिक सक्रिय हो जाती हैं। द्विवेदी युग में अतीत के गौरव, द्विवेदी क्या है, द्विवेदी युग चलता है, ठीक है, यहाँ पर जो द्विवेदी जी हैं उनके युग में क्या होता है, गौरवपूर्ण स्मरण करते हुए इनकी कविताएँ चलती हैं। छायावाद आती आते विवेकानंद की प्रेरणा विचारकों में महर्षि अरविंद की क्रांतिकारी, यानी अगर देखोगे जो छायावादी कविताएँ हैं उसमें क्रांतिकारी स्वर हैं, महात्मा गांधी की अहिंसकवादी सिद्धांत हैं, इस प्रकार की जो, यानी जो पूरी जो छायावाद है वो हमारे कह सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन को भी क्या करेगी, टच करते हुए पूरी छायावाद की जो, यानी जब ये छायावादी कविताओं का आरंभ हुआ तो भारत में अंग्रेजों का शासन था और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के युद्ध की परिस्थितियाँ और युद्ध का माहौल बना हुआ था, ये छायावाद की पृष्ठभूमि यही रही। इसी प्रकार से आपको देखो युगीन परिस्थितियाँ क्या थी, जैसे उसी युग में क्या क्या परिस्थितियाँ थी, छायावादी कवि अपने युग को अवश्यभावी असंभावी, यानी कोई संभावना नहीं परिणति मानते हैं। 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से स्थापित हो गया, उसकी घोषणा और प्रारंभिक सुधार की योजना भारतीय जनता का स्वागत किया, किंतु शीघ्र ही मोहभंग हो गया, यानी जब अंग्रेज आते हैं भाई मेरे तो अंग्रेजों से जो भारतीय उनका मोह लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर जब अंग्रेज जो होंगे अत्याचार करेंगे तो उनसे मोह भंग हो जाएगा, यही कह सकते हैं कि अंग्रेज पहले तो शुरू में अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में क्या होंगे उनको अच्छे नहीं लगते, यानी उस युग की, यानी जब छायावादी कविताएँ शुरू होती हैं प्रारंभ होती हैं तो उस युग में उस टाइम पीरियड में या कह सकते फेज में क्या कैसी परिस्थितियाँ थी, किस प्रकार की परिस्थितियाँ बन रही थी जब छायावाद था, तो 1857 की क्रांति है, देश में अंग्रेजों का शासन आया है जो आगे चल करके क्रूर शासन होगा और यहाँ पर सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद साहित्य परिवेश, यानी जो छायावादी कवि शुरुआत करते हैं तो उस समय जो साहित्य है, यानी जो हिंदी लिटरेचर था, हिंदी जो साहित्य था उसमें किस प्रकार का परिवेश, यानी किस प्रकार का वातावरण था और किस प्रकार का माहौल बना हुआ था, तो वातावरण जो माहौल है आप देख सकते हैं कि इतिवृत्तांत कविताओं कुछ वर्षों तक रही, यानी इतिहास के लेकर के कुछ कविताएं कुछ रहे लेकिन वह अधिकतर संवेद से ऊपर नहीं छूती थी, उनकी भाषा सरल सुबोध थी, वह योग छंदोबती, यानी अगर देखोगे तो साहित्य परिवेश कैसा था कि वहां पर कविताएं लिखी जा रही थी सरल भाषा में लिखी जा रही थी, रीति काल की उसमें विशेषता थी, यानी अगर देखोगे जब साहित्य परिवेश किस प्रकार का, जब छायावाद का प्रारंभ होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट 1.3 का, छायावाद का आरंभ कैसे है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो छायावाद का क्या है, छायावाद का शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो छायावाद शब्द का छायावादी शैली से सुपरिचित एक तत्कालीन कवि मुकुटधर पांडे ने 70 वर्ष पूर्व जबलपुर में प्रकाशित श्री शारदा नामक जो पत्रिका होती थी अंकों में हिंदी में छायावाद नाम से, यानी सबसे पहले अगर देखो भाई मेरे मुकुट नारायण पांडे, यानी सबसे पहले मुकुट नारायण पांडे जी ने अपनी पत्रिका अपनी हिंदी कविता में छायावाद के नाम से एक उन्होंने क्या की रेखमाला, यानी उन्होंने कविता की, ना केवल पहली बार छायावाद का नामकरण किया गया बल्कि छायावादी कविता का आरंभ, यानी शुरुआत यहीं से मानी जाए, यानी जब मुकुट नारायण पांडे ने 70 वर्ष पूर्व जबलपुर में एक जो पत्रिका प्रकाशित होती थी श्री शारदा, उसमें 1920 में उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसको छायावाद रेखामाला के नाम से जाना जाता है, वहीं से छायावाद शब्दों का क्या हो गया प्रयोग होने लग गया। आगे देखोगे इसका अर्थ और विस्तार क्या होगा, छायावाद का अर्थ और विस्तार देखोगे, छायावाद को परिभाषित करने वाले समीक्षकों ने इसे, यानी छायावाद को जो समीक्षक हैं जो इसकी समीक्षा करते हैं क्या वो बताते हैं, वो रहस्यवाद है, स्वच्छंदावाद है, रहस्यवाद का मतलब यानी छायावाद में रहस्य बातें हैं, स्वतंत्रता की बातें करते हैं, प्रकृति है, वेदना है या पलायनवाद है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो छायावाद की जो कविताएँ होती हैं उनमें हमें देखने को मिलता है, उनमें इनकी व्यापकता है, कहीं पर हमें प्रेम मिलेगा, सौंदर्य मिलेगा, प्रकृति का चित्रण होगा, कहीं पर हमें अवसाद यानी चिंता भी देखने मिलेगी, या इस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं या छायावादी कविताओं में हमें देखने को मिलती हैं, और छायावादी कविताओं में भैया जैसे प्रेम है, सौंदर्य है, प्रकृति है, चित्रण है या अवसाद है, ये सभी चीज़ें छायावादी जो कविताएँ होती हैं उनमें हमें देखने को मिलता है, छायावादी कविताओं में ये सभी चीज़ें रहती हैं। निराला जी के दर्शन का अगर देखोगे आवश्यकता से अधिक है, महादेवी जी अपनी
भूमिकाओं में बौद्ध करुणा तथा रहस्य वेदांत को भी जिस प्रकार से वहाँ पर इंगित करती हैं या विश्लेषण उनको करते हैं। तो छायावाद की प्रारंभ किस प्रकार हुआ, तो छायावाद का नामकरण कैसे पड़ा, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, यही सारी चीज़ आपको पढ़नी है। तो लगभग समाज अगला जो हमारा पार्ट रहेगा उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगला जो पार्ट आ रहा है ठीक है। जैसे छायावाद के प्रमुख कवि क्या हैं, तो छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं, तो देखो छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो छायावाद कवि पहले कवि जयशंकर प्रसाद हैं भाई, इंपॉर्टेंट हैं। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, इस टाइप से कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें जैसे जयशंकर प्रसाद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो आपको क्या लिखना, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ोगे तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इनकी कविताएँ क्या हैं, इन्होंने किस प्रकार की कविताएँ लिखी, कौन कौन सी कविताएँ लिखी, इन्होंने क्या लिखा, कि प्रकृति पर लिखा, सौंदर्य पर लिखा या किस पर लिखा, ये सारी चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसी के पास सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन अगर मैं पंत की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेम की बात करते हैं। तीनों लगभग जिन मैंने पोइट कविता कवियों को देखा होगा आपने, सारे छायावाद के कवि हैं और इसी प्रकार की इनकी जैसे मैंने बोला इनकी कविताएं रहती हैं। उसके बाद महादेवी वर्मा, ये थोड़ा महिलाओं के ऊपर लिखती हैं, महिलाओं की दुर्दशा क्योंकि खुद स्वयं महिला हैं, तो महिला की स्थिति कैसे है, महिला की परिस्थिति कहते हैं, तो इन्होंने महिलाओं के ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास किया है। यानी ये भी क्या है, छायावाद में एक प्रमुख कवित्री आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद छायावाद की अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु को भाई मेरे मतलब होता कि छायावाद कविताएँ होती हैं उनमें हमें क्या क्या मिलता है, यानी छायावादी जो कविताएं होती हैं वह किस पर डिपेंड है, यानी छायावादी कविताएं किस पर लिखी जा रही हैं, किन किन मुद्दों पर लिखी जाती हैं। तो छायावादी जो होता है, पहला व्यक्ति स्वतंत्रता का, यानी छायावादी कविताओं में क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, यानी व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, इन सभी चीज़ों पर या इन सभी बातों पर क्या होता है, इन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे किन बातों पर जोर रहेगा, सेकंड देखिएगा रूढ़िवादी, यानी जो छायावादी कविता है वह रूढ़िवादिता, यानी रूढ़िवादिता को खत्म करने की बात करते हैं। यानी एक यानी रूढ़िवादिता का मतलब होता भाई मेरे, जो हमारे पुराने आडंबर है, पुराने जो रीति रिवाज हैं, समाज में जो कुरीतियाँ फैली धार्मिक आधार पे या सामाजिक आधार पे, जो कुरीतियाँ जो पाखंड हैं, जो ये सारी इनका क्या होता है, इनसे मुक्ति यानी इनको छोड़ने की, यानी छायावादी कभी क्या करते हैं, रूढ़िवादी जो बातें होती हैं उन पर प्रहार करते हैं और रूढ़िवादी जो ताकतें होती हैं उनका कह सकते हैं मुकाबला करते हैं। यानी ये आडंबर जो है, पाखंड जो है, मूर्ति पूजा या व्यक्तिवाद जो है, इसके क्या करते हैं, इससे मुक्ति का प्रयास करते हैं छायावादी कवियों ने इस पर लिखा। प्राकृतिक सौंदर्य, यानी छायावादी कविताओं में क्या होता है, प्रकृति यानी प्रकृति का बहुत ज़्यादा गुणगान होगा। जैसे जयशंकर प्रसाद हैं तो प्रकृति के बारे में बहुत बातें ज़्यादा बातें करते हैं, यानी छायावादी कवियों की प्रकृति यानी उनके अंतर्वस्तु में क्या होता है, हमें मिलता है प्राकृतिक, यानी भैया पेड़ पौधे, झील कैसे हैं, नदियाँ कैसे हैं, ये कभी ये छायावादी कवि जब लिखेंगे ना, झील सितेरी आँखें, इस प्रकार की जो कविता है ना, इसी टाइप वाले कवि लिखते हैं। यानी ये प्रकृति सौंदर्य, भैया झरना ऐसा है, पहाड़ वैसा है, यानी इस टाइप की जो कविताएं होती हैं इस प्रकार के छायावादी कवि, यानी प्रकृति को लेकर के, यानी नेचर रिलेटेड इनकी कविताएं हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इनमें नेचर भी देखने को मिलेगा। अगला देखोगे गीतात्मक मधुर वेदना, यानी जो छायावादी कवि होते हैं इनके जो गीत होते हैं मधुर होते हैं भैया, मीठे होते हैं, यानी गीतों में यानी जो गीत होते हैं उनमें प्रतिबद्ध करते हैं। यानी छायावादी कवियों की जो कविताएं हैं वो भैया गाना बना सकते हैं, गीत बना सकते हैं, यानी गीत के शैली में ये अपनी कविताओं को लिखते हैं। यानी छायावाद जो कवि हैं वह अपनी कविताओं को गीत की शैली में यानी गाने की शैली में सारी कविताओं को क्या करता है, वह लिखता है ठीक है, गीतों से शैली। अगला देखोगे, इसको पढ़ लेना, मैं थोड़ा वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नारी विषय, यानी छायावाद जो कवि हैं भैया वो महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखते हैं, क्या करते हैं भाई मेरे, महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखते हैं। यानी अगर देखोगे तो छायावादी कवियों में क्या है, महिलाओं का जो इशू है, महिला का जो मुद्दे हैं भैया, जैसे महादेवी वर्मा तो महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा, यानी छायावादी कवियों का जो मुख्य विषय है, यानी कहें किस पर लिखे हैं, महिला के विषय, यानी महिलाओं के विषय में नई नई धारणाएं और महिला का उत्थान कैसे हो, महिलाओं पर ही इनका ये लेख जो होता है। जैसे महादेवी वर्मा तो लिखेंगे क्या, महिला की दुर्दशा पर लिखेंगे, महिला कैसे है, महिला भाई कैसे बेड़ियों से मुक्त हो सकती है, क्योंकि इसको जिस प्रकार से घर में खाना वाना बनाना रहता है तो उन सारी चीज़ों से मुक्त हो और जिस प्रकार उसका दमन और शोषण होता है, इसके खिलाफ भी अगर देखोगे तो जो आपके जो कवि हैं, जो हम बोलते हैं छायावाद के कवि, तो महिला की मुख्य काव्य धारा में भी उनका, यानी महिला का विषयक भी उनकी धारा में प्रवाह देखने मिलता है। युग सत्य यथा, यानी जो यथार्थवादी कवि हैं वह सत्य तथा यथार्थ
की घटनाओं को लिखते हैं, झूठ फरेब या झूठी बातें लिखने से वो थोड़ा कतराते हैं। उनकी कविताओं में क्या होती है, हमें सच्चाई देखने को मिलती है, यानी छायावाद के में अंतर वस्तु बता रहा। राष्ट्रीय यानी छायावाद के कवि जो होते हैं उनमें राष्ट्रीय चेतना और संस्कृति यानी इसका विकास करते हैं। यानी जो छायावाद कवि होते हैं वह राष्ट्र प्रेम की कविताएँ, देशभक्ति की कविताएँ या कह सकते हो संस्कृति यानी जो हमारी संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने में काम करे, इस प्रकार की कविताएँ जो होती हैं अगर देखोगे जो हमारे क्या हैं, इस प्रकार के जो हमारे छायावाद कवि होते हैं इनमें हमें देखने को मिलता है, जितने भी छायावादी कवि हैं वो इनमें क्या होता है देखने को मिलेगा कि छायावादी कवि में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जो चेतना होती है इनमें हमें देखने को मिलती है, और राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक चेतना के बारे में वो थोड़ा बढ़ चढ़ कर बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे छायावाद विधान की रचना। यानी जो छायावाद जो होता है उसमें विधान का मतलब होता है कि इनमें पृथक पहचान कैसे अलग है, यानी कभी जो विडंबना अथवा जिसमें जो पढ़े उसके यानी छायावाद जो कवि है कविता उसमें काव्य भाषा और शिल्प किस प्रकार का होता है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे छंद कल्पना का यानी जो छायावादी कविता होती है इसमें भैया क्या होते हैं छंदबद्ध कविता होती है, इसमें क्या होता है छंद बहुत ज़्यादा होंगे यानी मुख कवि कवि यानी इसमें क्या होगा यानी छंदो यानी इसमें क्या होता है छंद बहुत ज़्यादा होते हैं यानी छायावादी की कविताओं में आपको देखने मिलेगा, तो ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन अब हाँ काव्य भाषा यानी छायावाद के जो कवि होते हैं उनकी कविता की भाषा कैसे है, जैसे शब्द विन्यास है, कौशल की बात करते हैं या इस प्रकार के आपको यानी छायावादी जो कवि हैं इनकी भाषा शैली कैसी, यानी भैया किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि मैथिली यूज करते हैं, मगही यूज करते हैं या मान लीजिए कि ब्रज यूज करते हैं, हिंदी यूज करते हैं या कि संस्कृत की भाषा में लिखते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो छायावादी कवि हैं जो पूरा छायावाद रहा है इनमें इनकी भाषा कैसे है, इनकी लैंग्वेज कैसे, क्या ये अलंकारों का यूज करते हैं, तो यही सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में आपको लिखना पड़ेगा कि जो छायावादी कवि हैं उनकी कविताएं किस प्रकार की होती हैं किस प्रकार की नहीं होती हैं। ठीक है, अगला जो इसमें रहेगा आप छायावादी कवि में जैसे शिल्प काव्य शिल्प, काव्य शिल्प का मतलब होगा इनकी जो कविताएं होती हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, जैसे मुक्तक काव्य यानी इनमें जो कविताएं होती हैं इनको क्या होती हैं मुक्त काव्य होते हैं यानी मुक्तक की तरह यानी चार लाइनें चार लाइनर होती हैं। दूसरा गीति काव्य यानी इनमें गीतों यानी गीते गीत भी बहुत ज्यादा हैं, प्रधान काव्य दूसरा छायावाद के जो कविताएं होती हैं कई बार लंबी लंबी होगी यानी बड़ी बड़ी कविताएं कई बार भाई ये लिखते हैं, नाट काव्य यानी इनमें कुछ कविताएं नाटक के रूप में भी होती हैं जो छायावाद के कवि होते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता होती है यानी क्या है शिल्पगत यानी इनमें शिल्प किस प्रकार का है यानी इसमें सुंदरता यानी शिल्प किस प्रकार का है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है ये ठीक है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये फिफ्थ ये क्या है यही आपको याद रखना इनकी कविता में क्या है यानी काव्य शिल्प का प्रधान किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, छायावाद का महत्व और शक्ति क्या है, तो छायावाद का महत्व क्या, देखो छायावाद का महत्व दो दृष्टियों से स्वीकार है, एक तो काव्य उत्कर्ष यानी जो छायावाद होता है उसमें काव्य उत्कर्ष यानी कविताओं को यानी काव्यों को काव्य रूप में लिखा गया तथा काव्य के विधेयक उत्पादों के कारण इसमें क्या होता है दूसरे की स्वतंत्रता यानी भैया कह रहे हैं कि जो छायावाद होता है उसमें जो दूसरा व्यक्ति है यानी इसमें उसके स्वतंत्रता की क्या होती है दर्शन हमें देखने मिलता है, जो विद्वान छायावादी कवियों के विचार दर्शन से सहमत नहीं है वह इन कविताओं को कवित्वपूर्ण के रूप में मानते हैं। देखो प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद की बात करोगे आधुनिक कविता में सुमेरु माने ही गए हैं, निराला के काव्य की प्रणयता पंत की काव्य भाषा में देखने को मिलती है, बराबर याद किया। एक प्रखंड से आज्ञा जी भी बड़ी सटीक बात कहते हैं प्रसाद पढ़ाए जाने वाले योग्य हैं, निराला पढ़े जाने वाले यानी कह सकते हैं कि जो छायावाद के कवि हैं उनमें क्या क्या शक्तियाँ हैं यानी उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जिस प्रकार एक कवि दूसरे कवियों के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है, वही सारी चीज़ें रहेंगी जो जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष में छायावाद के जो कवि हैं उनमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष कैसा, देखो क्या होता है छायावाद का ऐतिहासिक महत्व अपनी समकालीन पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में स्थापित किया जा सकता है, अज्ञात है कि यह ब्रिटिश पराधीनता के युग में भी काव्य था जिसमें एक अंग्रेजों का दमन चक्र था जो पूरी आधुनिक बोध पर इसने आधुनिकरण के प्रेरित जनजागरण का पक्ष लिया था, सत्ता का पुनर्बोध किया था यानी ऐतिहासिक यानी किस प्रकार से ऐतिहासिक चीज़ों को लिखते हैं यानी जो हमारी इतिहास रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर भी जो छायावाद कवि हैं वह अपना लेख करते हैं या अपने लेख के बारे में उनके लेख के बारे में हमें देखने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, तो ये जो चीज़ें। दूसरा प्रासंगिकता यानी जो छायावाद के कवि हैं इनकी जो कविताएँ होती हैं भैया वह कितनी प्रासंगिक है या कितना सच है कितना झूठ है आज के हमारे समाज में वो कितना सही सटीक बैठती
व्यक्ति इन्हीं चीज़ों को लेकर के प्रासंगिकता का मतलब वही होता है। छायावाद की जो कवि है उनकी कविताओं में प्रासंगिकता कितनी, सच्चाई कितनी, रियलिटी। उसके बाद सारांश है, यानी पहला चैप्टर लगभग लगभग हो गया, मैंने पहला चैप्टर आपको बता दिया है। दूसरा चैप्टर मैं आपको जरूर दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, वैसे मैंने इसी में बोला था कि आपको बता दूंगा, लेकिन आपको एक बात मैं हमेशा बोलूँगा और हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैं 100% आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत शुरू से मैंने वीडियो नहीं बना रखा है, इसलिए आपको लाने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप सबको पता होगा कि जब अगर आपने मेरे क्लास यानी अगर कोई वीडियो मेरा ध्यान से देखा होगा जिसमें मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, तो उसमें देखा होगा कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ ये नहीं रहता एक घंटे के वीडियो बना दूँ, चार लाइन पढ़ दूँ, आधे तुम पढ़ लो आधे हम पढ़ लें, ऐसा नहीं होता भाई मेरे, आपको अच्छे से समझाना पड़ता। तो आप सब मेरी जो मैं जैसे पढ़ाना चाहता हूँ आप लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग फिर भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं करते हो, मुझे पता है आपको। मैं क्या होगा कि इसका गैस पेपर मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, मैं डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के देख लिया। देखो एक बात मैं हमेशा आज आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरा जो चैनल है ना हमेशा आपके लिए सपोर्टेड रहेगा, मैं आपसे एक रुपये कभी नहीं लूँगा, ये मैं आपसे दावे के साथ आज इतना बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी यानी मेरे रजनीकांत को कभी भी आपको एक रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं चाहता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद हो, किसी को एक रुपए भी ना देने की जरूरत पड़े मेरे को कभी भी। बल्कि मैं आपको बोल सकता हूं मेरे पास पैसे यानी मेरे पास मेल आते हैं कि आप पैसे लेकर के वीडियो बना दीजिए, इस सब्जेक्ट बना दो, उस सब्जेक्ट बनाओ। बल्कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मुझे पढ़ा दीजिए, मैं आपको पढ़ा दीजिए, तो मैं कई बार मना कर देता हूं। तो मेरा आपसे सिर्फ यही एक बात कहूंगा कि इस चैनल को अगर आप यहां तक आए तो जरूर सब्सक्राइब करना, मैं जितना हो सकेगा उतना पूरी मदद आपकी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ एक बात बोलूंगा, पढ़ाने वाले ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है मेरा। मैं जब पढ़ाऊंगा मेरा मकसद ये रहता है कि आप लोग बेहतर पढ़ें और एग्जाम में अच्छा लिख करके आए। एक बात भाई मेरे हमेशा ध्यान रखना, वीडियो जितने लोग देखते हैं उसमें बहुत कम लोग वीडियो से पास हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं अच्छा पढ़ाऊंगा बेहतर पढ़ाऊंगा तभी तो आप लोग एग्जाम में अच्छा लिख करके आएंगे। बुक तो आपके पास होगी, बहुत लोगों के पास बुक नहीं, मान सकता हूं, लेकिन आप लोग बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो बुक है तो समझाने का प्रोसीजर होता, समझाना पड़ता, बताना पड़ता है, तब लोग आप जा करके चीजों को समझ पाएंगे। तब आप जब चीजों को समझोगे तब आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा जो पढ़ाने का माइंडसेट है, जो मैं पढ़ाना है, मैं टीचर लेवल के लेवल पे पढ़ाता हूं, मेरा काम है पढ़ाने का। मैं कोई वीडियो मेरा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं सिर्फ वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आप लोग सिर्फ उसमें आकर के देख लीजिए, इससे मेरे व्यूज बढ़ जाए, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ ये मतलब है कि जो मैं आपको कितना अच्छा पढ़ा दूं मैं आपको कि ताकि आप बिना किताब पढ़े एग्जाम में जाकर के लिख दें और बहुत अच्छे और बहुत बेहतर नंबर लेकर के आए, ठीक है। इसीलिए मैं कई बार लिखने की भी कोशिश करता हूं। अगर आप देखोगे मैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं ले रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं तो आपको बताता हूं मेरे पास कई सारे मेल पड़े हैं वीडियो के लिए पैसे देकर के बोला कि इतना पैसा ले लीजिए, उस सब्जेक्ट की वीडियो बना दीजिए। मैंने वीडियो सच में बता रहा हूं, मैंने वीडियो तक नहीं बनाया, मैंने उनका रिप्लाई तक नहीं किया, क्योंकि मैं पैसे अगर आप मेरे को पैसे पे करेंगे ना तो बोलोगे एक काम कर दो तो मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन वैसे बोलोगे तो मैं काम कर दूंगा। यानी ये कहने का मतलब यही है कि जब तक मैं हूं ठीक है, या जब तक मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं कभी भी तुमको एक रुपए कभी मेरे हाथ में रखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि सबको शिक्षा मिले, सभी पढ़ें और सबको कम से कम पैसे में, या आपको एक भी रुपए कहीं पर देना ना पड़े, मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहेगा। तो इसीलिए जरूर मेरे साथ चैनल को जरूर जुड़े रहिएगा, मैं आपको हमेशा मदद करने की कोशिश करूंगा जितना हो पाएगा। मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं आपको ग्रुप भी दूंगा, बल्कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं वहां पर भी आपको बता दूंगा। अगर जैसे आप हिस्ट्री के पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ों से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बाकी और भी सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसको रीड करना पड़ता भाई मेरे, उसको अच्छे से रीड करके तब पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मेरा बात समझने की आप सब लोग कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं गैस पेपर इसका जो है मैं डाल दूंगा, गैस पेपर टेलीग्राम हमारा जो चैनल है वहाँ पर टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम पे सर्च करना अध्ययन एजुकेशन, जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे सर्च करना आ जाएगा, वहाँ पर मैं गैस पेपर डाल दूंगा, आपको लिख लिया, अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। और आपसे मेरी बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आपको पढ़ाना जरूर चाहता हूँ, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से एक तरीके से पढ़ाने का मेरा ढंग है मैं, ठीक है। और मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपके नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है। ये नहीं होगा कि वीडियो मैं दावे कर सकता हूँ भाई मेरे, अगर किसी वीडियो को 3000 बच्चे देखते हैं ना, तो मेरा कहने का मतलब है 1800 लोग उसमें पास होंगे, बाकी तो आधे से ज़्यादा 50% लोग तो फेलियर का रेशियो है।
मेरा कहने का मतलब आप समझिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग जो देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा वीडियो आप लोग देखते होगा अलग अलग चैनल पर जा करके, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको पास कराने वाला वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है अच्छा क्रिएटर पढ़ाई कीजिए और बेहतर कीजिए, और जितना मैं हो सकेगा उतना मैं आपको बनाने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा। और हाँ, आप सबका यही अभ्यास रहता हूँ, आप सबका आशीर्वाद है, इसलिए मेरी जो तबीयत है काफ़ी अच्छी बनी रहती है, काफ़ी सही बनी रहती है। बस आप सब लोगों का आशीर्वाद बनाए रखिए और हमेशा चैनल के साथ जुड़े रहना, इतना जब तक मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, बल्कि स्वयं मैं खुद बैठ करके लिखूंगा, नोट्स बना करके आप खुद को प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि एक बेहतर नंबर आए। भाई ना, सिर्फ देखो एग्जाम देने में सिर्फ एक तरीका नहीं कि एग्जाम में जा करके लिख दो पास हो जाओ, पास तो कोई भी हो सकता है भाई। ठीक है, दो दिन पढ़ेगा बिना मास्टर के पास हो जाए, लेकिन अच्छे नंबर लाना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है, ताकि आप जो डिग्री कर रहे हो तो इसकी कुछ वैल्यू बने, इससे कुछ आपको फ़ायदा हो, मेरा मोटिव ये हमेशा रहा है। तो आप मेरी क्लास में आइएगा, वहाँ से भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये मैं आपको अपनी क्लास का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी कभी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। वहीं की मैं वीडियो डालता हूँ, वहीं देख लीजिएगा, बाकी जो वीडियो भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक जरूर है, चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो ये मैंने इसलिए बना दी ताकि आप सबको एक बात जा करके टेलीग्राम चैनल पर ना गैस पेपर देख लीजिएगा। ठीक, उसकी वीडियो मैं बनाने का मन नहीं था, तो आप जाकर देख लीजिएगा, ताकि आप उसको भी देख करके पढ़ सकें, तो उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी एक दो वीडियो और भी लाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच मुझे, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, तो उनकी क्योंकि फुल वीडियो चलेंगी ना, तो जो सब्जेक्ट मैं आधे अधूरे नहीं पढ़ाता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ फिर कुछ छोड़ता नहीं हूँ फिर। ठीक है, ये नहीं आप छोड़ छोड़ के पढ़ाने वाला मेरा मन नहीं, हर चीज़ पढ़ाऊंगा, फिर विस्तार से डीप में चलेगी क्लासें। ठीक है, तो यही मेरा कहने का मतलब है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू सो मच, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, थैंक यू।